हाथरस में गैंगरेप की शिकार पीड़ित युवती जिंदगी की जान हार गई और दिल्ली में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पीड़िता की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं घटना के विरोध में और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। दिल्ली महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने विजय चौक के पास प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया के साथ कई महिला प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। साथ ही दिल्ली महिला प्रदेश अध्यक्ष अमृता धवन को भी गाड़ी में बैठा कर ले गए। टेस्ट जो था, हम अभी आके पीसफुली खड़े हुए हैं। हमें ये भी नहीं बताया कि धारा 144 लागू है। एक आम आदमी के चुपचाप आके यहाँ पे पीसफुली खड़े भी नहीं हो सकते। सीधा गाड़ी में बिठा के डिटेन कर रहे हैं, खुद पार्किंग में गाड़ी लगवा रहे हैं जबकि, और उसके बाद खुद ही पकड़ रहे हैं। हमें बता भी नहीं रहे कि यहाँ पे क्या बात है खड़े होना। आम लोगों को भी पकड़ रहे हैं यहाँ पे आने वालों को। तो आप कम से कम आम जनता को तो बताइए, एक दलित बेटी का मौत हो जाती है, उसका बलात्कार होता है, और उसके बाद जब हम यहाँ पे आते हैं और पीसफुली हम लोग अभी खड़े हैं, हमने कुछ कहा भी नहीं। ये हाल किया गया है यहाँ पे। यूपी के क्या हालात हैं, पुलिस पूरी तरीके से बिकी हुई है और बार बार ये हमें इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हैं, उसे दफन करने में लगे हुए हैं। हमने कुछ नहीं किया, अभी हम आके खड़े हैं और ये पहले से ही इनसिक्योर है, इन्होंने हमें यहाँ बंद कर दिया। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में दलितों और महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। जो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में तो पहचान इस सरकार की हो गई है कि दलित उत्पीड़न हो, अत्याचार हो, महिलाओं पर अत्याचार हो, ये अत्याचार हो रहा है। और बड़ी दुखद समाचार मिला है कि उस बालिका के साथ, हमारी बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ था, अब उसके मौत हो गई है। अब ये तो है ही है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, सुनने वाला कुछ है नहीं, सिर्फ उठाओ बंद करो, सिर्फ यही कुछ नहीं। हाथरस घटना की पीड़िता ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसके बाद से इस घटना को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से योगी सरकार पर तीखा वार किया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर लिखा कि हाथरस में हैवानियत झेलने वाली दलित बच्ची ने सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। दो हफ्ते तक वो अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझती रही। हाथरस, शाहजहांपुर और गोरखपुर में एक के बाद एक रेप की घटनाओं ने राज्य को हिला दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए दिल्ली से कमल कुमार की रिपोर्ट। न्याय दो, 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 न्याय दो,